एक सेकंड रुको भैया, कैशिफाई ले लो। इसका रेंट क्या पड़ रहा भाई? रेंट इसकी पड़ रही है 4500 रुपये। 4500 रुपये महीना? महीने। कितने टाइम से ले रखी है आपने? तो स्वागत है भाई आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। 4 मार्च की जो है हमारी वीडियो है, और आज मैंने जो पहला पार्सल एक्सेप्ट किया है वो गुड़गांवा सेक्टर 15 से किया है, और ये मैं अभी जनकपुरी पहुंचने वाला हूं, ड्रॉप लोकेशन पर 4 किलोमीटर दूर हूं। तो भाई आज की जो दिन की शुरुआत है 4 मार्च की वो हो गई है। पहली ट्रिप हमारी ये लगभग 300 रुपये की ट्रिप है, और जाकर यार इस पार्सल को जो है डिलीवर कर देते हैं। छोटा सा वो मोबाइल है तो इसको डिलीवर कर देते हैं, साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें भी आप सबसे करनी है। तो फिलहाल दिल्ली की DTC बस कह रही है रैपिडो का वादा। तो भाई रैपिडो का वादा तो ठीक है, पर तोड़ा तो आप ही ने। दिल्ली सरकार एक तरफ ऐड चलाती है, दूसरी तरफ बैन करती है। तो भाई देखो, कुछ हमारे बाइक राइडर हैं जो न जाने क्यों बाइक टैक्सी कंपनियों के ठेकेदार बनने में लगे हुए हैं, और कंपनी के पास बहुत मोटे मोटे वकील हैं जो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं। और अगर मान लो एक बाइक राइडर 100 रुपये भी अगर कमा के दे रहा है, और मैं कहता हूँ अगर 1000 बाइक राइडर भी हैं दिल्ली के अंदर, तो सोचो यार 100 रुपये के हिसाब से 1000 राइडरों के हो गए कितने, 1 लाख। ये देखो भाई, आई लव दिल्ली में जो लव है, जो दिल वो टूटा पड़ा है। और दोबारा से घूम फिर के यार हम वहीं पर आ गए जहाँ पर परसों हम लोग आए थे। एक सेकंड रुको भैया, कैशिफाई ये लो। है ये वहाँ से लेके आऊँगा, गुड़गांव से सेक्टर 15 से। हाँ अब ये तो इसमें क्या है तो आप ही देख लेना, पेमेंट ये है 301 रुपये। भाई मेरे पास तो वापसी देने के लिए नहीं है। नहीं है? हाँ फोन पे कर देता हूँ मैं आपको, मैंने रिटर्न किया है पैसे, बाकी रख लेते हैं अपने बैग में भाई इन पैसों को। और अपना जो है पहला पार्सल डिलीवर्ड हो गया जनकपुरी में, वेट है अपने को नेक्स्ट ट्रिप का। अभी फ़िलहाल हमने 300 रुपये काम कर दिया है, जाएँ जाके कंप्लीट करें पहले ट्रिप को। ट्रिप पहली कंप्लीट है हमारी, यहाँ से भाई हॉट एरिया आएगी, दोबारा बज जाएगी। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई देखो, बाइक टैक्सी तो बैन है ना, तो बाइक टैक्सी की कंपनियों को भी इसका काफ़ी नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए जो है वेट करना ज़रूरी है, बहुत महंगे महंगे वकील भी रखे हैं कंपनी ने। 10 रुपये पार्किंग के मैंने लिए हैं किसी कस्टमर से। तो यहाँ से निकलते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रिप जब आएगी तब आएगी, फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। पहले भी यहाँ मैं पार्सल डिलीवर कर चुका हूँ काफ़ी बार, मैंने बोला था, मैंने कहा भाई रोड साइड का होता है, कह रहा मैं आ जाता हूँ, भाई आ सकते हो तो आ जाओ ये वो। अब ऐसे कहने लगता है तो मना नहीं हो पाता, मैंने कहा चल ठीक है, अब रिक्वेस्ट कर रहा है। वो फ्रीडो से ली हुई गाड़ी है, HR नंबर, और इसका रेंट क्या पड़ रहा है भाई? रेंट इसकी पड़ रही है 4500 रुपये। 4500 रुपये महीना? कितने टाइम से ले रखी है आपने? मैं अभी लिया हूँ 1 हफ्ते हो रहा है। 1 हफ्ता हुआ है? तो पैसे तो उन्होंने एडवांस ले लिए होंगे आपसे? हाँ, पैसे पहली पेमेंट कराते हैं। पहली पेमेंट कर रखी है तो क्या नाम है, तो इसको आप चला रहे होंगे दिल्ली में कि नहीं? दिल्ली में तो अभी नहीं चला रहा हूँ, अभी जैसे बोल रहे हैं कि बाइक टैक्सी बैन हो गई, इसी वजह से नहीं चला रहा हूँ मैं दिल्ली में। नहीं तो इसमें तो अभी मैंने हमने बातें करी तो वो तो कह रहा है ना कि दिल्ली में चलाओ। HR नंबर है, अगर UP नंबर होती तो हरियाणा में आएंगे तो इसका जो है टैक्स देना पड़ता। फ्रीडो वाले बोल रहे हैं ना, तो मतलब कि पर ये है कि 4500 रुपये दे के 1 महीने के लिए मिल जाएगी, तो फिर 4500 का खर्चा भी तो खैर भाई कह रहा है, मान लो अपनी गाड़ी है तो 4500 रुपये डाउन पेमेंट खर्चा है। वैसे कि गाड़ी की मेंटेनेंस सारी कंपनी करेगी, वैसे भी अपनी व्हीकल रहेगी तो मेंटेनेंस हाँ करवानी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया बात की है, अगर गाड़ी अपनी होती है तो मेंटेनेंस में आपका खर्चा जाता है, ये सारा मेंटेनेंस कंपनी करती है इसका ना। तो भाई देखो, अगर मान लो आप ओला उबर जैसी कंपनी में चला रहे हो तो मैं समझता हूँ 20 दिन में सर्विस हो ही जाती है, 20 दिन में महीना बहुत मुश्किल से खींच लोगे, तो सर्विस में भी आपका 1000 रुपये खर्चा तो आ ही जाता है ना। तो आपका 1000 रुपये खर्चा जो है सर्विस का बच जाता है, साथ साथ स्पेयर पार्ट में भी जो खर्चे होने होते हैं वो भी बच जाते हैं, क्योंकि गाड़ी स्पेयर पार्ट भी लगते हैं गाड़ियों में। जैसे मेरी गाड़ी है, जब भी सर्विस पर जाती है कोई ना कोई स्पेयर पार्ट इसमें डलना होता है। तो यार कुल मिलाकर ये है कि ये भी एक बेनिफिट का सौदा है, अगर चाहो तो फ्रीडो जैसी कंपनियाँ और भी हैं
तो यहाँ कोई किसी कंपनी का हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। सिर्फ ये जो वीडियो है राइडर के उससे है कि भाई अगर मान लो किसी को लेनी है तो फ्रीडो कंपनी से लेके अपना ओला उबर वगैरह में उन्होंने लगवा के दी थी, कैसे किया था? नहीं उन्होंने लगवाया नहीं था। अच्छा उन्होंने गाड़ी दे दी थी, आपने अपने आप से रजिस्ट्रेशन करवा ली अपने? कौन कौन सी कंपनी में करवाई है? बस मैं करवाया हूँ रैपिडो और उबर। रैपिडो और उबर के साथ है? तो रैपिडो उबर के साथ आप चलाओ इसे दिल्ली NCR में, कोई दिक्कत ही नहीं है? पता नहीं मैं तो नहीं चला रहा हूँ, देखता हूँ। नहीं देखो ऐसा है ना, ये कमर्शियल नंबर है, कमर्शियल नंबर का मतलब तो होता यही है कि आदमी आप चाहो तो रोड पे चलते हुए आदमी से पूछ लो कि भाई कहाँ जा रहे हो, आ जाओ सवारी लेने का काम है। क्योंकि कमर्शियल नंबर का तो मतलब यही होता है पैसे कमाने का मकसद से गाड़ी ली जा रही है ना। तो भाई देखो ये भी एक साधन है। बाकी मैं यार यहाँ पर अपना जनकपुरी में खड़ा हुआ हूँ, गुड़गांव से जनकपुरी का एक पार्सल लेके आया था और यहाँ पर क्या है कि मेरा जो ब्लूटूथ था वो ख़राब हो गया था, उसका एक कान बज रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पर डाला। उन्होंने एक हफ्ते के लिए टाइम दे दिया मेरे को, एक हफ्ते बाद मेरे को ये लोग देंगे। बाकी यार मैं ना अभी थका हुआ हूँ, गुड़गांव में भी मैं किसी काम से गया हुआ था तो वहाँ का भी काम निपटाया था, फिर जनकपुरी में आया तो ये भी निपटाया, बीच में एक पार्सल भी कर दिया तो ये भी बढ़िया है। तो एक ही ट्रिप मैंने आज करी है और इससे हमारे को जो अर्निंग हुई है वो 242 रुपये की हुई है। 242 में मेरा यार पूरा पेट्रोल खर्चा निकल गया, गुड़गांव गया था फिर जनकपुरी से वापस घर भी जाऊँगा। ये वीडियो यार यहाँ तक की थी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जल्दी और धन्यवाद।